ये व्हाट्सअप का इट्स अनिकेत यार। ओके सो गाइस, मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अपने ट्रिप में, तो देख सकते हो आप लोग जैसे कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और ये मेरी ट्रिप है सब मंदिर घूमने की गांव के। तो ये सुबह 5:30 बजे मुझे बड़ोदा स्टेशन उतार देगी और यहाँ पर मैं बड़ोदा स्टेशन पहुँच चुका हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ और हम लोग बस में बैठ चुके हैं। तो मैंने थोड़े सिनेमेटिक्स लिए, आप लोग इन्जॉय करो। मैं मिलता हूँ आगे मंदिर के बाहर। और हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मंदिर। यहाँ पे कृष्ण भगवान का ये मंदिर है और ये बहुत बड़ा मंदिर है। इसका पूरा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ मेरे ट्रिप का वीडियो है और ये मंदिर का वीडियो भी मैंने अलग से लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इन्जॉय करो ये मंदिर को यहाँ फ़ोन से देख के। कृष्ण भगवान का मंदिर है, स्वामी नारायण का मंदिर है यहाँ पे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें सब कैसे बनाई है, आप लोग देखो और इन्जॉय करो सिनेमेटिक्स को। और मैं अभी यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो मिलते हैं डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर। और यहाँ हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ कार्ड पेमेंट ही अलाउड है, कैश अलाउड नहीं है। तो आप जब भी जाओ तो कार्ड पेमेंट ही करना होगा आपको, तो कार्ड लेके जाना तो ही आपको एंट्री मिलेगी। और मैंने यहाँ पे 380 वाली टिकट्स ली थी क्योंकि मुझे ऊपर तक देखने जाना था जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे बस की फैसिलिटी है, बस ही हम लोग को पिकअप करती है और ये एसी बस है जो हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी की वहाँ पे पहुँचाती है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो। और ये है गेट, हम लोग ने एंट्री ले लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं मूर्ति की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एकदम चाओ वाला बनाया हुआ है पीछे मूर्ति। और हम लोग, ये फैमिली फ़ोटो है हमारा, हम लोग इतने लोग ट्रिप में गए थे ऐसे जाने का है। ये फैसिलिटी अच्छी है कि हम लोग को धूप नहीं लग रही थी ऊपर। यहाँ पे ऐसे एंट्री मिलती है कि उन लोग पहले टिकट स्कैन करते हैं, फिर ये ओपन होता है, फिर हमें अंदर जाने मिलता है। और ये आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड से जाने आने के लिए जगह दिया हुआ है इन लोग ने मूर्ति की तरफ। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। मैंने पूरा सिनेमेटिक्स लिया है तो मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग सिर्फ सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो। ये एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए और यहाँ पे पूरा एकदम फुल कूल एसी के साथ है। और यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके आप लोग देख सकते हो A to Z यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है, कैसे मूर्ति बनी है, क्या क्या चीज़ें लगी बनाने में। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छी है ये, और ये पूरे बड़ोदा में फेमस है। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने मिलेगा, बच्चे लोग के लिए गेम है।
और यहाँ से अभी ये एंट्री हो गई ऊपर जाने के लिए, ये टिकट स्कैन कर रहे हैं मेरी, मेरी खुल गई। और फिर हम यहाँ पे ऊपर पहुँच चुके हैं, ऊपर से ऐसा कुछ व्यू दिखता है। यहाँ पे छोटा सा मूवी थिएटर भी बनाया हुआ है, इसमें सब दिखाते हैं कि कैसे ये बना है, क्या क्या यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी ली है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये हम लोग आ गए उनके पैर के नीचे, जैसे कि मूर्ति है उसके पैर के नीचे आ चुके हैं। और यहाँ से भी बहुत सा अच्छा व्यूज़ दिखता है। ये बस पे पूरा मैप है जहाँ पे कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, वहाँ पे पूरा मैपिंग के साथ है। और हम लोग जा रहे हैं वापस से होटल, और हम पहुँच गए स्वामी नारायण के मंदिर में वापस से। यहाँ पे मेन हाईलाइट है इस मंदिर की कि यहाँ पे जो पूजा होती है वो हाथी पे बैठ के भगवान को लिया जाता है। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं शाम को, यहाँ पर आरती ऐसी होती है, आप लोग इंजॉय करो ये आरती। अगर इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आपको 2-3 दिन में देखने मिल जाएगा। तो इस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शाम के टाइम पे ये ऐसा मंदिर दिखता है, फुल लाइटिंग के साथ ये मंदिर रहता है और पानी के बीचों बीच बनाया है, मतलब आजू बाजू में पानी है और बीचों बीच में भगवान है। तो ये सब भगवान की मूर्तियाँ हैं अलग अलग भगवान के। तो ये सब इसका पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो मैंने छोटा मोटा सिर्फ इसमें बताया है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना और देखते रहना उसे। ये हमारी होटल है जहाँ पे हम लोग ने नाइट स्टे किया था।